भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया एक कार्यक्रम में आज सीकर पहुंचे। सीकर में उन्होंने रामेश्वरम रेजिडेंसी के कार्यक्रम में शिरकत की और उसके बाद जाट समाज में उनका भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली के चुनाव में भाजपा अच्छा प्रदर्शन कर जीतेगी, वहां पर लड़ाई राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधियों के बीच थी। उन्होंने कहा कि जनता ने राष्ट्रवाद के नाम पर वोट किया है। देखिए दिल्ली क्योंकि परसों इस बात का फैसला होगा, लेकिन साफ तौर पर इस देश में दो तरीके की विचारधाराएं मुखर हुई हैं दिल्ली के चुनाव के दौरान। एक तो वो लोग हैं जो जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, उन अपराधियों का समर्थन करते हैं जो भारत के तोड़ने के सपने देखते हैं, उन लोगों का समर्थन करते हैं जो शाहीन बाग में भारत के कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं। तो साफ तौर पर दिल्ली में एक पक्ष तो राष्ट्रवाद का है और दूसरा पक्ष देश विभाजक है। तो निश्चित रूप से ये विभाजन दिल्ली के चुनाव में साफ तौर पर दिखा और लोगों ने बड़ी तादाद में राष्ट्रवाद के समर्थन में अपना मतदान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीटें थी, बहुत अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करेगी और मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोगों ने राष्ट्रवाद को निश्चित रूप से चुना होगा।